स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलाइंड एडवेंचर्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। निमसेट 2022 की एग्जाम अब काफी पास है, सो आई होप आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। आई होप आप सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पूरे सिलेबस को कैसे मेंटेन कर सकते हो और उस पूरे सिलेबस को आप रिवाइज कैसे कर सकते हो, पूरे सिलेबस का आप रिविजन कैसे कर सकते हो। तो अगर हम अकेले मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 50 चैप्टर्स होते हैं, और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 40 चैप्टर्स होते हैं। अब रीजनिंग में इंक्लूड होता है वर्बल प्लस नॉन वर्बल प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पर एग्जाम में किसी भी टॉपिक से किसी भी पैटर्न के क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रिपरेशन करनी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एज टू हाउ यू कैन मेंटेन द एंटायर सिलेबस एट द सेम टाइम। तो कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि उन्हें फॉर्मूलेज याद नहीं रहते, उन्हें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद नहीं रहते। तो आज इसका सलूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली गलती जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ये है कि किसी एक टॉपिक को पूरे दिन भर लेके बैठे रहते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनफैक्ट डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 मैथ्स के टॉपिक्स चूज करने चाहिए, 4 से 5 रीजनिंग के टॉपिक्स चूज करने चाहिए, और इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना चाहिए। फॉर सपोज अगर आपने मैथ्स के 4 टॉपिक्स उठाए, जैसे आपने बायनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 4 टॉपिक्स आपने लिए। अब इन 4 टॉपिक्स को अगर आप कोशिश करोगे कि एक दिन में इनमें से कोई एक ही टॉपिक हो, तो कोई भी एक टॉपिक इनमें से पूरा नहीं होगा, या ये चारों टॉपिक भी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए आपको ये करना है कि किसी एक दिन आपको मैथ्स के 4 टॉपिक्स और रीजनिंग के 4 टॉपिक्स उठा के उनको इस तरह से टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देना है कि उनमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इससे होगा ये कि एटलीस्ट दिन भर आपका किसी एक टॉपिक में नहीं जाएगा और आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। एक दिन में आपके मैथ्स के 5 टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, एक दिन में आपके रीजनिंग के 5 टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। मतलब ऑन द वेरी सेम डे आपके मैथ्स और रीजनिंग साइमल्टेनियसली दोनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन आपका होता रहेगा। फॉर सपोज अगर आपने मंडे से स्टार्ट किया, तो आपने मंडे को एक्स वाई जेड टॉपिक्स आपने रिवाइज कर लिए, तो नेक्स्ट मंडे को अब आपको आगे के टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ा फटाफट टाइम निकाल के पिछला जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी आपको करना है, क्योंकि सिर्फ पढ़ के इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, आपको उसका रिवीजन भी करना उतना ही जरूरी है। तो इससे होगा ये कि आप इस हफ्ते में जब 7 दिन में आप इन अलग अलग मैथ्स के और अलग अलग रीजनिंग के टॉपिक्स को जब आप रिवाइज करोगे, तो इससे होगा ये कि आपके कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, प्लस किसी एक दिन आप किसी एक टॉपिक को लेकर नहीं बैठोगे, तो आपके मल्टीपल टॉपिक्स का रिविजन उन 7 डेज में कम्प्लीट हो जाएगा। सेकेंडली, आप जब भी कंसेप्ट्स याद करते हो तो वो कंसेप्ट्स आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करने हैं। काफ़ी सारे बच्चे कंसेप्ट सिर्फ वर्बली याद कर लेते हैं, उनकी लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। आप जब भी कंसेप्ट याद करते हो तो आपको उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो वो कंसेप्ट आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। इसके साथ साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, किसी टॉपिक को आप उठाते हो, जब उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको जब ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड कोई या ट्रिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप या तो हैश या तो स्टार या तो टिक, आप जो भी चाहो आप ऐसे कर सकते हो, ताकि वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। जब भी आप उस टॉपिक को दोबारा रिवीजन करोगे तो आप उस क्वेश्चन को देख के ये ध्यान में रख सकते हो कि हाँ, ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, ये इसमें कोई ट्रिक यूज हो रही है, कोई नया लॉजिक बैठ रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ये भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि जब भी आप किसी टॉपिक को सॉल्व करते हो तो उसमें अगर कोई आपको नए पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है या कोई ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, तो आप उसको स्टार मार्क कर सकते हो या आप उसको हैश या टिक मार्क कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी आपको आगे काफ़ी काम आएगी।
इसके साथ साथ रिविजन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंडा ये होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपने जितना भी पिछले पेपर्स का, जितने भी पिछले मॉक टेस्ट आपके हुए, जितने भी पिछले टेस्ट हुए हैं, उनका जिनका आपने रिविजन लिख रखा है, जिनका एनालिसिस आपने कर रखा है, उस एनालिसिस का आपको डेली बेसिस पे रिविजन करना है। रोज 15 से 20 मिनट आपको ऐसे निकालने हैं जब आप उन पिछले पेपर्स के एनालिसिस को उठा के देखो, उनमें देखो कि आपने क्या क्या गलतियाँ की है। अब फिर आप एनालाइज करो कि वो गलतियाँ जो आपने पहले की है वो रेक्टिफाई हुई भी है या नहीं। रेक्टिफाई हुई है तो उनको आपको आपने रिजॉल्व किया भी है या नहीं। अगर आपने रिजॉल्व कर लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर आप उन गलतियों को अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो तो इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको उन गलतियों को रेक्टिफाई करना है और आपको उन गलतियों को रिजॉल्व भी करना है। तो ये रिविजन का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ तरीके हुए जिससे आप रिविजन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंसर्न होता है, सो यू कैन कॉल अस एट 9399-28033 या आप हमें ईमेल भी कर सकते हो help.alightadventures@gmail.com। आपके सारे कंसर्न्स एंड इश्यूज का हम आंसर करेंगे, आपके जितने भी आपको डाउट्स होंगे हम उनको रिजॉल्व करेंगे। Thank you so much for watching this video. Do subscribe our channel for the latest updates and more educational content. Thanks a lot.